हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GIF, जी हाँ, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। जी यानी अगर आप भी एक वेब डेवलपर हो या फिर आप फोटोशॉप इस्तेमाल करते हो और आप भी सीखना चाहते हो ऐसे ही दमदार GIF बनाना, तो मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरा बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप ऐसे GIF या फिर इससे बहुत ही बेहतरीन GIF कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, आपके सामने जो GIF चल रहा है, आखिरकार ये मैंने कैसे बनाया, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक टूल, उसका नाम है फोटोशॉप। जी हाँ, अगर आप भी फोटोशॉप आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आपको फोटोशॉप पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गूगल से एक बैकग्राउंड थीम और एक PNG टाइप की कार मैंने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, फिलहाल मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एज इट इज़ यही चीज़ बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे एक आपके पास एक टूल नज़र आएगा, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ फुल, और यहाँ मूव टूल से अपनी पिक्चर को मैंने क्या कर लिया है, अपने बैकग्राउंड पे रख लिया है, और कंट्रोल टी करेंगे जैसे ही, यहाँ पे देखिए हमारी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। इमेज सेलेक्ट करने के बाद ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स की मदद से अपने कार को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे छोटा बड़ा जो भी आपको साइज चाहिए उस अकॉर्डिंग हम साइज़ यहाँ पे दे देंगे। कंट्रोल के साथ आप जब प्लस बटन को प्रेस करेंगे आपकी इमेज जूम होगी, कंट्रोल के साथ आप जब माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आपकी क्या होगी, वापस से छोटी हो जाएगी, यानी नॉर्मल हो जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा। एंटर कर दिया, देखिए हमारा जो ट्रांसफॉर्म वाली बटन है, यानी जो ये डॉट्स बन के आते हैं वो के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल टी, और इसे हटाना है तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये सारा का सारा काम हम यहाँ पे लेयर्स पे करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक कार को एक जगह एक लोकेशन पे मैंने यहाँ पे कर दिया है फिक्स, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके, यानी आपको बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर देना है। उसके बाद पहली लेयर इन लेयर वन आपको दिख रही होगी, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट लेयर और यहाँ पे कर देंगे ओके। फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, आपकी वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। हल्का सा अपनी गाड़ी को यानी अपनी कार को हल्का सा आगे बढ़ाना है एरो बटन की मदद से, ठीक है। उसके बाद सेम एंटर अगेन, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक और यहाँ से कर लेंगे ओके। ये प्रोसीजर आपको जो जितनी बार करना है उतनी बार हम ऐसे करते रहेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम फटाफट ऐसे करेंगे, राइट क्लिक डुप्लीकेट लेयर पे, देन ओके, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म और हल्का सा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। यही सिमिलर प्रोसीजर आपको पूरे कंप्लीट में कर लेना है, यानी आपको कार जहाँ तक चाहिए जैसे भी चाहिए, और इसके अलावा भी आप बहुत बेहतरीन GIF बना सकते हो। तो मैं यहाँ से फटाफट सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म एंड एंटर अगेन कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया कॉपी, ठीक है, यानी डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक किया, ओके किया, कंट्रोल टी किया, अपनी कार को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। इसी तरह मैं पूरी गाड़ी को यानी पूरी रोड पर मैं ऐसी गाड़ी को रन कराने वाला हूँ। तो आप देखिए पूरी वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, एक एक स्टेप को क्लियरली देखिएगा, वरना आप जब आप ट्राई करेंगे बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपके साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए वीडियो को पहले पूरा अच्छे से वॉच कर लीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे कार हमारी बन चुकी है, मैं चाहता हूँ कि गाड़ी मेरी बाहर निकल जाए, तो मैं और आगे बढ़ा देता हूँ अपनी गाड़ी को, है ना। एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ से अगेन, सॉरी, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर और यहाँ से कर लिया मैंने ओके, अपनी गाड़ी को मैंने आगे बढ़ा दिया। और अगर मैं गाड़ी और बाहर ले जाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से ओके कर लिया और अपनी गाड़ी को सेलेक्ट करके और आगे कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने गाड़ी यहाँ पे बना ली है। ये यहाँ तक कि हमारा जो चीज़ें होती है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जो आई बटन है, अगर हम आई बटन की बटन आई जो आपको आईज दिख रही हैं, अगर मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएंगी। अगर आँख बुझ गई यानी आँख को ऑफ कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, सारी गाड़ी ऑफ हो जाएंगी। अब आपको कंट्रोल प्रेस करना है और ये जो बगल में ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ड्रैग कर देना है ताकि सारी जो कार है पूरी चेन है एक साथ सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। आँख के बगल वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कंट्रोल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसका नाम है जंप टू इमेज रेडी। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, मैंने इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। हमारा इतना प्रोसेसर करने के बाद ये ऑटोमेटिक एक फोटोशॉप में एक नया ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ गया है। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डिटेल में चीज़ें। देखिए आपकी लेयर आ चुकी हैं, सब कुछ आ चुका है, अब हमें करना क्या है बेसिकली। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये जितनी भी आँखें हैं, अगर मैं आँखों को बंद कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए आपकी वो लेयर हाइड हो जा रही है ना। तो अभी मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, फाइनली
मैं अपनी सारी आंखें जितनी भी हैं मैं सारी अपनी आंखों को मैं यहाँ से कर दूंगा क्लोज, केवल बैकग्राउंड वाली लेयर रखूंगा और उसके ऊपर पहली वाली कार है उसको रखूंगा। यहाँ पे देखिए आपको फॉरएवर के ऊपर टाइम मिल जाएगा, तो आपको जो टाइम फिक्स करना है यहाँ से हम टाइम ले लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखिए मैंने टाइम दे दिया 0.1 सेकंड, यानी 0.1 सेकंड में हमारी लेयर काम करेगी। इसके बाद यहाँ डिलीट के बटन देखिए, डिलीट के बगल में एक छोटा सा ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट करके, यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक। उसके बाद यहाँ पे आएंगे जो लेयर वन की गाड़ी थी इसकी आँख को हम बंद करेंगे और इसके ऊपर वाले लेयर को ऑन करेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए आपकी गाड़ी हल्का सा आगे नज़र आई। तो वीडियो क्या होता है, सेट ऑफ फ्रेम्स होता है, बहुत सारे फ्रेम का कलेक्शन होता है। सेम यहाँ से हमने टाइम हमारा फिक्स है, अब नीचे वाली आँख को बंद किया ऊपर वाली आँख को चालू कर देंगे तो हमें ऐसा रियलाइज़ होगा कि हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। सिमिलरली ऐसे ही पूरी लेयर्स के साथ हम कर लेंगे फटाफट। न्यू लेयर क्लिक की, नीचे वाली लेयर की आँख को क्लोज़ किया और ऊपर वाली लेयर की आँख को ऑन कर दिया ठीक। अगेन यहाँ पे भी हम ये करेंगे, आँख को यहाँ पे मैंने बंद किया, लेयर कॉपी हुई और यहाँ पे इसकी आँख को हमने ऑन कर लिया ठीक है। तो ऐसे ही हम फटाफट सब में जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं सब में आपको पूरे में कर लेना है ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आराम से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। हमारी पूरी कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर हम आपके कमेंट का रिप्लाई करें। तो गाइज़ अगर वीडियो अभी भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपके जो भी व्यूज़ हुआ करें मुझे बताया करिए एटलीस्ट कि हाँ ये चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे प्ले वाली बटन को मैं जब क्लिक करूँगा, देखिए हमारी गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है, यानी यहाँ पे जो प्ले बटन है जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हमारी गाड़ी चल रही है। तो गाइज़ देखिए हमारा GIF हो चुका है क्रिएट, यानी पूरा कंप्लीट हो चुका है GIF। अब प्रॉब्लम ये आती है कि GIF को हम सेव कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि आप अपनी इमेज को JPG फॉर्म में सेव करते हो सेम वही प्रोसीजर रहने वाला है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एस आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको अपनी GIF का जो भी नाम देना है, मान लीजिए इसका नाम मैं देता हूँ GIF ही रख देता हूँ, और यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट सेव एस टाइप GIF आ जाएगा लिख के। अगर नहीं आता है तो आप GIF कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, देखिए हमारी जो GIF है वो सेव हो चुकी है हमारे डेस्कटॉप पे। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने ये हमारा ओपन हो रहा है, हमारा जो GIF हमने फॉर्म किया है। आप इसको अपने अगर आपके पास अगर सपोर्टेबल व्यूअर नहीं है तो आप अपने किसी भी ब्राउज़र पे भी रन करा सकते हो उस फाइल को। तो यहाँ पे देखिए हमारा GIF काम कर रहा है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।